कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस देश ने स्वीकार किया कि उसने 2007 में सीरिया के एक संदिग्ध परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था? चार ऑप्शन है ए बी सी डी, उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी इसराइल। इसराइल ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसने 2007 में सीरिया के एक संदिग्ध परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था। हम यहाँ जल्दी जल्दी 10 प्रश्न कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप ध्यान से सुनिए, हम साथ में इसका विवरण भी दे रहे हैं। प्रश्न नंबर दो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत देश में 10 करोड़ लोगों को कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष मुफ्त दिया जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन यानी कि मोदी केयर, जो आयुष्मान भारत के नाम से लॉन्च की गई है, 21 मार्च को कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें ये लागू की गई है। इसमें राशि होगी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी वाला उत्तर सही है, 5 लाख रुपये। यानी कि इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। इसका लाभ लगभग 10 करोड़ लोगों को होने की संभावना है और इसमें 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्चा आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। प्रश्न नंबर तीन देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के लिए आरंभ किए गए किस अभियान को हाल ही में 2020 तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है? चार ऑप्शन है ए बी सी डी, रूसा, एस के आई, ए आई एच ई एम, एन एच ई एम। उत्तर होगा ऑप्शन ए रूसा। रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। पेरू के राष्ट्रपति का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दिया? ए बी सी डी चार ऑप्शन है, उत्तर होगा ऑप्शन ए पेड्रो पाब्लो कुजेंस्की। इनको मतों की खरीद फरोख्त के आरोपों से जूझना पड़ा था और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। प्रश्न नंबर पाँच, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो ब्रिटेन की एक कंपनी है, ब्रिटेन की एक मार्केटिंग कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, द्वारा 5 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक होने की जानकारी सार्वजनिक की गई है? उत्तर होगा ऑप्शन बी फेसबुक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लगभग 5 करोड़ यूजर्स की निजी जानकारियों के लीक होने की घटना चर्चा में बनी हुई है। ये फ्रेंड चर्चा में तब आया जब ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो उसमें काफ़ी चर्चा चली थी इसकी, और अभी जांच हुई है तो खुलासा हुआ है ब्रिटेन में और अमेरिका में कि जो ये कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये फेसबुक का डाटा हैक करके लोगों की निजी जानकारियाँ हैक करके और कैंपेन जो इलेक्शन कैंपेन था ट्रंप का उसमें प्रॉब्लम क्रिएट की थी इसने, और अभी इंडिया में भी पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस और बीजेपी में इसी पर। प्रश्न नंबर छः, दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए 18-19 बजट में कितनी राशि शिक्षा के लिए आवंटित की गई है? ये राशि है 13,997 करोड़ रुपये। ऑप्शन ए सही है इसका। प्रश्न नंबर सात, संसद ने टैक्स फ्री ग्रेजुटी की सीमा बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? टैक्स फ्री ग्रेजुटी की सीमा 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। ऑप्शन बी ठीक होगा इसका। सरोगेसी सुविधा के इच्छुक प्रजनन क्षमता से वंचित विवाहित दंपतियों के लाभ हेतु किस विधेयक में संशोधन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सरोगेसी नियमन विधेयक 2016 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरोगेसी बोर्ड तथा उचित प्राधिकरण स्थापित करके सरोगेसी को नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के किस फाउंडेशन को बंद करने की मंजूरी दे दी है? उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत विकास फाउंडेशन। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के विकास भारत विकास फाउंडेशन IDFOI को बंद करने की मंजूरी दे दी है। प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र की किस तेल कंपनी ने पुणे में डीजल की घर तक आपूर्ति होम डिलीवरी शुरू की है? एक नया अभिनव प्रयोग शुरू किया है, ये कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC। उत्तर होगा ऑप्शन सी IOC। IOC ने पुणे में डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है।